नमस्कार दोस्तों, आज है 3 नवंबर रविवार 2019 और आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ मैं आपके मध्य में। और आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी तिथि वार नक्षत्र सहित शुभ अशुभ समय, आज का राहु काल, आज का अभिजीत मुहूर्त, आज का यमगंड, आज की भद्रा स्थिति और साथ ही आज का शुभ अशुभ समय, संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक वीडियो में लेकर के आया हूँ मैं। तो आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ में और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही में मित्रों एक बात और बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस मिलता रहे। साथ ही हमने गिव अवे रख रखा है 1 नवंबर से लेकर के तो 30 नवंबर तक, तो आप हमारे गिव अवे में भाग ले सकते हैं और आप पेटीएम कैश जीत सकते हैं हमारे वीडियोज़ को देख करके और हमारे वीडियोज़ में कमेंट करके। अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। आज है 3 नवंबर रविवार 2019 और आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के सर्वप्रथम सूर्योदय एवं चंद्रोदय के बारे में बात करते हैं। आज का सूर्योदय एवं चंद्रोदय जो है सुबह 6:34 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त शाम को 5:35 पर होगा। अगर चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय जो है 12:24 पर होगा और चंद्रास्त 11:05 पर होगा। पंचांग की बात कर लेते हैं। आज का पंचांग, आज की तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि जो है 2:56 नवंबर 4 तक होगी, उसके पश्चात फिर अष्टमी तिथि लगेगी। नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 12:56 नवंबर जो है 4 तक होगा और श्रवण नक्षत्र उसके पश्चात लगेगा। अब बात कर लेते हैं योग के बारे में। योग जो है शूल योग 6:31 नवंबर 4 तक होगा और फिर उसके पश्चात गंड योग बनेगा। करण की बात करें तो गर्करण जो है 2:08 तक होगा, उसके पश्चात वणिज करण 2:56 नवंबर तक होगा, नवंबर 4 तक विष्टि करण उसके पश्चात लगेगा। अगर वार की बात की जाए तो बड़ा शुभ वार पड़ रहा है। रविवार है तो रविवार में आप जो भी अपने शुभ कार्य है वो सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही रविवार के लिए दैनिक उपवास और व्रत त्यौहार भी होते हैं, उसके शुभाशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में जरूर पूछें इसके बारे में। चंद्रमास एवं संवत के जो बारे में हम जानकारी जानेंगे। चंद्रमास जो है आज चंद्रमास लूनर मास चंद्रमास कार्तिक पूर्णिमा होगा और कार्तिकीय मंथ होगा। संवत की बात करें तो शक संवत 1941, भिखारी विक्रम संवत 2076 परिधावी, गुजराती संवत 2076 विरोधकृत। और बात कर लेते हैं राशि तथा नक्षत्र के बारे में। राशि तथा नक्षत्र सूर्य राशि होगी तुला राशि और चंद्र राशि होगी मकर राशि। चंद्रमा जिस राशि के होंगे वो है मकर राशि। सूर्य नक्षत्र की बात करें तो सूर्य नक्षत्र होगा स्वाति नक्षत्र और नक्षत्र पद की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र क्रमशः 1, 2, 3 पर होगा और फिर उसके पश्चात श्रवण नक्षत्र होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के ऋतु तथा अयन के बारे में। दृक ऋतु जो है दृक ऋतु होगी हेमंत ऋतु, दृक अयन होगा दक्षिणायन, वैदिक ऋतु शरद ऋतु होगी, साथ ही वैदिक अयन दक्षिणायन होगा। अब बात कर लेते हैं दिनमान की। तो दिनमान होगा 11:00:00 और 43 सेकंड, लगभग 11 घंटे का दिन होने वाला है और रात्रि बराबर 13 घंटे की होने वाली है। और मध्याह्न की अगर हम बात करें तो मध्याह्न जो है 12:04 पर मध्याह्न होगा। अब बात कर लेते हैं आज के शुभ समय के बारे में। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:26 तक आज का अभिजीत मुहूर्त होगा और आज का अमृतकाल 6:02 से 7:45 तक अमृतकाल होगा। त्रिपुष्कर योग की बात करी जाए तो आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है और त्रिपुष्कर योग के साथ में सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है, तो आप जो भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आपके सभी कार्य स्वयं सिद्ध होंगे। 6:34 से 12:56 नवंबर 4 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा और सर्वार सिद्धि योग भी 6:34 से 12:56 नवंबर 4 तक होगा। अब बात कर लेते हैं आज के विजय मुहूर्त के बारे में। आज का विजय मुहूर्त 1:55 से शुरू होकर के 2:39 तक होगा और गोधूली मुहूर्त 5:24 से 5:48 तक गोधूली मुहूर्त होगा। सायन्य संध्या 5:35 से 6:53 तक सायन्य संध्या होगी
आइए बात कर लेते हैं आज के निशिता मुहूर्त के बारे में। आज का निशिता मुहूर्त 11:39 PM से 12:31 AM नवंबर 4 तक होगा। और ब्रह्म मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 4:51 AM नवंबर 4 से 5:43 AM नवंबर 4 तक जो है ब्रह्म मुहूर्त होगा। आज की प्रातः संध्या के बारे में बात करेंगे। प्रातः संध्या 5:17 AM नवंबर 4 से 6:35 AM नवंबर 4 तक आज की प्रातः संध्या होगी। आइए बात कर लेते हैं आज के अशुभ समय के बारे में। आज का अशुभ समय, आज का राहुकाल 4:12 PM से 5:35 PM तक राहुकाल होगा। और गुलिक काल 2:50 PM से 4:12 PM तक होगा। यमगंड की बात करें तो यमगंड जो है 12:04 PM से 1:27 PM तक यमगंड होगा। और दुर्मुहूर्त की बात की जाए तो 4:07 PM से 4:51 PM तक दुर्मुहूर्त होगा। आज वर्ज की अगर बात करें तो वर्ज जो है 7:40 AM से 9:24 AM 5:21 AM नंबर 4 से 7:07 AM नंबर 4 तक जो है वर्ज होगा। भद्रा की बात करें तो भद्रा जो है 2:56 AM नवंबर 4 से 6:35 AM नवंबर 4 तक भद्रा होगी। और बात करें अगर आनंद आदि एवं तमिल योग की तो आनंद आदि योग अमृत 6:28 PM तक होगा। फिर उसके पश्चात मूसल 2:42 AM नवंबर 4 तक। फिर उसके पश्चात गद योग बनेगा। अगर बात करें तमिल योग की तो तमिल योग जो है अमृत 6:28 PM तक होगा। उसके पश्चात मरण 2:42 PM नवंबर 4 तक। उसके पश्चात फिर मरण योग बनेगा। आइए बात कर लेते हैं आज के निवास और शूल के बारे में। होमाहुति शुक्र की होगी, दिशा शूल पश्चिम दिशा में होगा, तो संभवतः यात्रा पश्चिम दिशा की ना करें, लेकिन फिर भी अगर जरूरी हो तो कुछ उपाय हैं, उन उपाय को करके आप यात्रा कर सकते हैं। राहुवास की बात कर लेते हैं, राहुवास जो है उत्तर दिशा में होगा। अग्निवास की बात करें तो अग्निवास जो है आकाश में होगा 2:56 AM तक और नवंबर 4 तक जो है आकाश में होगा। फिर उसके पश्चात पाताल में होगा, तो कोई भी हवनात्मक कार्य ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भद्रावास पाताल से 2:56 AM नवंबर 4 तक भद्रावास होगा। बात करें चंद्रवास की तो चंद्रवास जो है दक्षिण दिशा में होगा और आज जो है चंद्रवास दक्षिण दिशा में होगा। चंद्रबलम की बात कर लेते हैं, चंद्रबलम निम्न राशि के लिए उत्तम चंद्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक होगा। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन, मिथुन राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चंद्र शुभ फलदायी होगा। आइए बात कर लेते हैं ताराबलम के बारे में। निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 12:56 AM नवंबर 4 तक जो है उत्तम होगा। भरिणी, रोहिणी, मृक्षिरा, पुनर्वसु, श्लेषा, पूर्वा, फाल्गुनी, हस्तस, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 12:56 AM नवंबर 4 तक होगा। निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक होगा। अश्विनी, कृतिका, मृक्षिरा, आर्द्रा, पुष्य, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद। आइए बात कर लेते हैं आज के दैनिक उपवास और व्रत त्योहार के बारे में। तो आज के दैनिक उपवास और व्रत त्योहार कुछ इस प्रकार हैं। आज भानु सप्तमी है, साथ ही कार्तिक अष्टान्निका और विधान प्रारंभ आज से हो जाएगा। कार्तिक अष्टान्निका विधान प्रारंभ होगा, साथ ही जालाराम बापा जयंती है। इनके विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप व्रत त्योहार के विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं इनके लिए आपको अलग से वीडियोस ला सकता हूं। साथ ही दोस्तों आप गिव अवे में भाग जरूर लें, ताकि आप फ्री में पेटीएम कैश अर्न कर सकें हमारी वीडियोस को देख करके। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इनके माध्यम से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वहाँ नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।